नौतपा के पहले दिन देश भर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजस्थान में गर्मी से 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान का फलौदी दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा। यहां तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी के चलते शनिवार को 5 लोगों ने यहां जान गंवा दी। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान रेमल आज पश्चिम बंगाल से टकराएगा। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तरी इलाके और बांग्लादेश के तटीय इलाकों के लिए भयंकर तूफान की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 1 मीटर ऊंची लहरें उठने की भी संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल के निचले तटीय इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है। आईएमडी के मुताबिक तूफान रेमल के लैंडफॉल के दौरान करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं की चेतावनी के चलते कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 26 मई की दोपहर 12 बजे से 27 मई की सुबह 9 बजे तक की सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी को देखते हुए असम डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर के पास तैनात पुलिस कर्मियों को पानी ऑफर करें। वहीं मुंबई नगर पालिका ने बताया कि 30 मई से पानी की सप्लाई में 5% और 5 जून से 10% की कटौती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।